बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के शोभा थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन की दावत पर मारूफ भारतीय फिल्म डायरेक्टर अशोक आहूजा ने फिल्म प्रोडक्शन पर तलबा को लेक्चर दिया। इस मौके पर शोभे के सरबरा असगर नदीम सैयद और फैकल्टी मेम्बरान भी मौजूद थे। अशोक आहूजा ने 1969 से 1972 तक हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में फिल्मों ड्रामों के लिए स्क्रिप्ट लिखे। अशोक आहूजा की 40 बरस पहले बनाई गई फिल्में भी तलबा को दिखाई गयी। मैं तो इस जज्बे से आया हूँ कि कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमया नहीं, तो यहाँ उस तरह से आप कहें कि पैदा होने के लिए जमने के, टू बी एबल टू रियली एक्सपीरियंस लाहौर, एंड इट्स रियली वंडरफुल टू बी इन लाहौर। द पीपल आर सो वार्म एंड सो वंडरफुल। आई एम रियली एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड बाय बीइंग हियर। इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियर इन पाकिस्तान। अशोक आहूजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजबूत ताल्लुकात होने चाहिए, इससे फिल्म इंडस्ट्री को भी फरोग मिलेगा। फिल्म डायरेक्शन पर बात करते हुए अशोक आहूजा का कहना था कि तलबा अपनी फिल्में बनाने के लिए लगन से काम करें, क्योंकि नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बहरान से निकाल सकती है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में कल्चरल सिमिलैरिटीज जो है, फिल्म थिएटर मीडिया में जिस तरह से दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये जल्दी होगा, जरूर होना चाहिए। पीपल हियर फ्रॉम बोथ द फील्ड्स, दे शुड वर्क टुगेदर। भारतीय फिल्म डायरेक्टर अशोक आहूजा के लेक्चर के बाद सवालात का सेशन भी रखा गया और तलबा ने तजर्बात शेयर करने पर अशोक आहूजा का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42।